ये है नोकिया 2660 फ्लिप और इसे यूज करते मुझे 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। और आज की वीडियो में मैं इसका आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि भाई कैसा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसी के साथ ऑडियंस ने जो भी क्वेश्चन पूछे उन सब के भी आंसर इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले तो यार ये 5000 की प्राइस में आने वाला है, तो अगर आप इसे प्राइमरी डिवाइस की तरह खरीद लेते हो तो एक हफ्ते में ही रिग्रेट हो जाएगा आपको कि भाई ये चीज़ क्यों खरीद ली हमने। पहली बात तो यार ये नोकिया का जो 2660 फ्लिप है ये बिल्कुल भी एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, ये एक बेसिक जो होता है ना कीपैड वाला वही फ़ोन है। बस इसमें एक ही खास बात है कि यहाँ पे आपको एक डुअल स्क्रीन मिलती है जो कि एक अच्छी बात है। ये जो सेकंड स्क्रीन है इस पर भी कुछ ज़्यादा आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, छोटी स्क्रीन है, TFT डिस्प्ले है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब बेसिकली 5000 रुपये की प्राइस में भाई आप ले एक कॉलिंग फ़ोन ही रहे हो, वो भी कीपैड वाला। जस्ट इसमें एक ही फीचर है कि ये भाई आपको ऐसे फ्लिप करने में मज़ा आ सकता है, बस उसके अलावा इसमें कोई भी आपको फीचर देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद भाई मैट फिनिश में देखने को मिलता है, तो हाँ ये अच्छी बात है कि मैट फिनिश में मिलता है। और भाई इस पर इतने दिन हो गए हैं तो थोड़े बहुत स्क्रैच भी आ गए हैं, लाइक 2 महीने में स्क्रैच भी काफ़ी आए हैं। अब इसमें मेरे को यार कुछ ऐसा खास नहीं देखने को मिला जिसकी भाई मैं आपको बताऊं, और तो इसमें कैमरा मिलता है आपको वो भी कुछ ज़्यादा खास क्वालिटी का नहीं देखने को मिलने वाला है। तो 5000 की वैल्यू में तो यार ये वर्थ इट नहीं है, बट फिर भी आप एक क्लासिकल फ़ोन लेना चाहते हो सेकेंडरी डिवाइस की तरह तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब चलते हैं और देखते हैं भाई क्वेश्चंस ऑडियंस ने क्या क्या पूछा है इसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है भाई मयंक शर्मा ने, और उन्होंने पूछा है डज इट शो स्टॉप वॉच और टाइमर ऑन आउटर स्क्रीन। तो भाई आउटर स्क्रीन पे तो भाई कुछ भी नहीं दिखाता है, मोस्टली बस आपकी कॉल जो आती है उसकी डिटेल दिखती है आपको। उसके अलावा आप देख सकते हो टाइम आपको देखने को मिल रहा है, उसके अलावा यहाँ पे मैसेज का साइन आप देख सकते हो, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। बट बहुत ही बेसिक और लिमिटेड ही फंक्शन है आउटर स्क्रीन का, तो इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट मत करो भाई। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई डज जियो और एयरटेल सिम वर्क्स ऑन दिस फोन। तो भाई हाँ एयरटेल और जियो दोनों ही सिम इसमें वर्क करेंगी, तो 4G फोन है, आराम से वर्क करेंगे सारी सिम। थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है इस मोबाइल में। तो भाई कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, अगर आप एक कीपैड वाला भी देखते हो ना तो यार उनकी माइक की क्वालिटी और स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, तो कॉल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और जो सुन रहा होगा लिसनर होगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इज म्यूजिक साउंड गुड। तो डेफिनेटली भाई स्पीकर क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, बट काफ़ी लाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैटरी कितने दिन चलेगी। तो भाई 10 दिन तो आराम से चल सकती है इसकी बैटरी, अगर एक बार चार्ज करोगे तो उसके बाद फंक्शन क्या ही परफॉर्म करना है आपको, बस कॉल ही करनी है इससे, तो कॉल पर बात ही करोगे आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस इसलिए तो 10 दिन से ज़्यादा ही चल जाएगी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इस फोन में ब्लूटूथ है या नहीं है। तो हाँ भाई इसमें ब्लूटूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट है इसमें। तो भाई इंटरनेट है इसमें, आप आराम से किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, बट वीडियो प्ले नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्ड का फीचर है या नहीं है। तो भाई ऐसा कोई भी फीचर आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हॉटस्पॉट है या नहीं है। तो भाई इसमें हॉटस्पॉट भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट पूछते हैं कि भाई इसमें यूट्यूब और गूगल है। तो भाई दोनों चीज़ इसमें है, बट यूट्यूब पर वीडियोज नहीं चलेंगी और गूगल पर आप वेबसाइट विजिट कर पाओगे आराम से। अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या इसमें व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप छोड़ो, इसमें भाई कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक बेसिक टास्क है, कॉलिंग का फीचर आप यूज़ करोगे। मेरे को नहीं लगता आप इस पे वेबसाइट भी विजिट करने वाले हो कि भाई कीपैड से टाइप करोगे इतना टाइम लगा के और फिर आप इस पे वेबसाइट से विजिट करोगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई इस ये जो बेसिक फ़ोन होता है ना वही है, इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी लिटरली। तो इसमें व्हाट्सअप भी नहीं देखने को मिलने वाला है। ऑडियंस ने यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, बाकी इस वीडियो को यार यहीं रखते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना।